उसी टाइम जो हमारा जेसीबी है उसके मुंह में एक पत्थर आ गया, हमने साइड में रखा, लगभग एक दो घंटे वो वहीं पे थी, हमने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, तो उसके बाद हमने वो साइड में फेंकी। साइड में फेंकने के बाद तो यहाँ के लोकल लोग जो है वो आ गए, उन्होंने वो छीनने की कोशिश की तो वो भागने लगे। जब हम वो भागने लगे तो हम उनके पीछे गए, तो पीछे जाने के बाद हमने उनसे वो वापस ली, इस गरज से कि ताकि ये हम कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है हम उनको ये हैंड ओवर करेंगे। उसके बाद मैंने वो अपनी गाड़ी में रखी है, तो मैंने जो कंसर्न हमारा पुलिस स्टेशन है जू सर, तो मैंने उनको कॉल करके यहाँ पे बुलाया, और तब तक मैंने वो छुपा के गाड़ी में रखी है, क्योंकि जो लोग थे वो तो हमारे ऊपर हमला आवर हुए, एक दो ने तो हमारा गला भी पकड़ा है वो छीनने के लिए। तो मैंने फिर वो गाड़ी में लाग करके कंसर्न पुलिस को इतला दी, तो उनको वो दो तीन बंदे यहाँ आके तो अपनी गाड़ी में हमने फिर वो एसएचओ साहब को हैंड ओवर किया। कितनी डेप्थ से निकली है? लगभग डेप्थ होगी ये 6-8 फुट। क्या लगता है आपको ऐसी पत्थर और मिल सकती है यहाँ पे, कितनी परसेंट चांस है? हम तो श्योर नहीं है, उसके बाद वो तो ऊपर वाला जानता है कि जो हमारे हाथ में आ गया तो उन्हें हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करी। जो कल मैं यहाँ पे काम पे आया था, इन्होंने मशीन मंगाई है यहाँ पे, एलएनटी ऑपरेटर हूँ मैं। जो मैंने ट्रेंच स्टार्ट किया खोदना, वहाँ पे 4-5 फुट के नीचे वो पत्थर मिल गए मुझे। वो पत्थर मैंने इसलिए उठाया कि मैंने साइड में रखा है पत्थर, ताकि मैं पीछे ले सकता हूँ, इसको बाद में देख सकता हूँ ये क्या चीज़ है। लेकिन लास्ट में मुझे पता चला ये ऐसी चीज़ है, क्योंकि मैंने साइड में पत्थर लिया, साइड पत्थर लेने के बाद इन्होंने यहाँ पे लोगों ने इसको अपने हाथ में लिया। ٹھیکدرس حوالہ گاڑی منہ کھو پولیس فون تو سر تمہ حوالہ۔